आलू आधा है, लेकिन वो छोटा बड़ा आलू तो होता ही है, कोई बड़ा आलू है कोई छोटा है, तो ये इत्तेफाक से थोड़ा सा जो है बड़ा है। और राइस भी मैं हिसाब से क्वालिटी क्वांटिटी सॉरी क्वांटिटी क्वांटिटी में मैं कहूँगा अम्मी जान चीते रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा, तो जी हाँ, आज मैं जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ कंपैरिजन के ऊपर, जमजम बिरयानी वर्सेस अम्मी जान बिरयानी, जो कि कोलकाता की काफ़ी मशहूर होटल हैं, वो अपने बिरयानी के लिए जाने जाते हैं। तो आज से कुछ दिन पहले, हफ्ता दस दिन पहले मैंने एक पोल किया था अपने कम्युनिटी में, कि मैंने सवाल किया था कि आप लोग क्या चाहते हैं, जमजम बिरयानी वर्सेस अम्मी जान बिरयानी पे एक वीडियो हो जाए। तो 97% लोगों ने कहा है कि हाँ हो जाए, तो सबने यस किया है। तो इसीलिए आज मैं जो है वही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं ऑलरेडी बिरयानी जो है लेकर आ चुका हूँ जमजम से और अम्मी जान से। तो दोनों बिरयानी मैं खुद गया था लाने के लिए, और दोनों का जो कॉस्ट है 110 रुपये पड़ा है। तो चलिए, ज़्यादा आप जो है बकवास नहीं करते हैं और वीडियो के स्टार्ट किया जाता है, व्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए, दोनों को अनबॉक्सिंग करते हैं और दोनों की क्वांटिटी क्वालिटी A to Z सब कुछ बताऊँगा। तो आज का व्लॉग बिल्कुल अलग हट के होने वाला है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर काफ़ी मैं अच्छे अच्छे इस तरह के व्लॉग्स डालता रहता हूँ, कंपैरिजन वाले और ट्रैवल व्लॉग्स और फूड व्लॉग्स तो हमेशा आते ही रहते हैं, फैमिली व्लॉग्स सब कुछ इसमें आपको मिलेगा एकदम डेली डोज। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बन जाए मेरी फैमिली का हिस्सा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दे, शेयर करे, कमेंट करे। तो चलिए, दोनों को जो है खोला जाए और वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे जो है बिरयानी आ चुकी है, दोनों में लेकर आया हूँ, और दोनों को जो मेन ब्रांच, जो सबसे ओल्ड ब्रांच है दोनों का, वहां से लाया हूँ। ये अम्मी जान की बिरयानी है, ये भी 110 का प्राइस है, और इसमें भी 110 का, दोनों का प्राइस एक ही है 110 रुपये करके। और ये वाला जो है, ये सबसे जो पहला ब्रांच था ये लोग का भी, अम्मी जान का बेग बगान वाला, वहाँ से लाया हूँ, जिस पर मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जो है ऊपर में आइकॉन बेल आइकॉन में नज़र आ जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और एक मैं लाया हूँ जमजम से, जो कि सबसे पहले इनका बेनियापुर वाला ब्रांच था, फर्स्ट ब्रांच, वहाँ से लाया हूँ। इसका भी प्राइस 110, इसका भी 110। तो सबसे पहले तो दोनों की पैकिंग की बात करते हैं। तो अम्मी जान की जो प्लास्टिक आप देख सकते हैं इस तरह की है, बिल्कुल वाइट है, लेकिन जमजम में पूरा प्रिंट है। तो यहाँ पर जो है मास्क जमजम को जाते हैं, तो अब ये कितने मार्क्स का होता है चलो मैं ये भी बता देता हूँ, तो समझ में आएगा कौन जीता है सच में। पैकिंग का एक रहेगा, बॉक्स का दूसरा, क्वांटिटी तीसरा, और देखने में बिरयानी कौन सी अच्छी लगती है चौथा, और ऑब्वियस सी बात है खाने में कैसी होती है पांचवा। तो अभी फर्स्ट पॉइंट में जमजम जो है एक पॉइंट ऊपर आ चुका है, क्योंकि इसका जो है प्लास्टिक का पैकिंग मुझे अच्छा लगा। पहली बात तो अभी ये पैकिंग बंद हो जाना चाहिए वैसे भी प्लास्टिक, क्योंकि जो है हर जगह, काफी जगह बंद हो चुकी है। तो अगर इन लोगों को करना चाहिए, जो वो अभी कपड़े का आता है ना साहिबा, कपड़े वाला है वो आता है, आपको भी पता ही होगा वो कौन सा, उसको क्या मटेरियल बोलते हैं ये नहीं पता, उस तरह का मैं तो और ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है वो। तो चलो, तब भी मैं अगर अभी जो करंट की बात है, तो जमजम का 1 पॉइंट है प्लास्टिक में, क्योंकि उनका कम से कम अपना नाम लिखा हुआ है और इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर दोनों जो है इन फ्यूचर अगर अपना पॉलीबैग चेंज कर लेते हैं प्लास्टिक से वो उसमें वो वाले में, तो और अच्छा होगा। अब आते हैं हम लोग बॉक्स की पैकिंग में। तो बॉक्स की पैकिंग तो दोनों ठीक है, दोनों का अपना अपना एक बॉक्स है, दोनों ही अट्रैक्टिव कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है साहब बताओ, मुंह से बोलो। मुझे तो अम्मी जान का लग रहा है अच्छा, मुझे भी थोड़ा सा लिखा हुआ अच्छा सा लग रहा है, अच्छा लिखा हुआ नहीं अट्रैक्ट कर रहा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दूंगा तो अम्मी जान को दे दूंगा 1 पॉइंट। तो प्लास्टिक में 1 और 1, तो 2 राउंड हो चुके हैं, एक में ये जीता एक में ये। तो चलिए अब तीसरा राउंड करते हैं क्वांटिटी का। खड़ा होना होगा अब तुम्हें। बिस्मिल्लाह। तो ये इनका जो है क्वांटिटी है जमजम बिरयानी का, बिस्मिल्लाह। अब ये जो है कोई बात नहीं, ये जो है अम्मी जान का है, और दोनों को मैं जाकर लाया, एक एकदम बेग बगान, एक बनिया पुकुर, और दिल नहीं और चढ़ाने का, लेकिन तब भी गया हमने, नहीं आज ये वीडियो बना के ही रहूंगा। और ये है अम्मी जान की क्वांटिटी। सो अब क्वांटिटी में मुझे समझ में तो ऐसे नहीं आ रहा है, इसमें आपको जो है जमजम में इस तरह का 2 आपको गोश्त के पीस मिल रहे हैं ये साइज का, और एक आधा आलू आपको मिल रहा है, और ये बाकी के चावल हैं। और अम्मी जान में भी आपको गोश्त का जो है साइज बिल्कुल थोड़ा सा 20 है ना साहिबा, थोड़ा सा 20 है, और आलू भी थोड़ा सा, आलू आधा है, लेकिन वो छोटा बड़ा आलू तो होता ही है, कोई बड़ा आलू है कोई छोटा है, तो
तो ये इत्तेफाक से थोड़ा सा जो ऐसे बड़ा है, और राइस भी मेरे हिसाब से क्वांटिटी में मैं कहूंगा अम्मी जान जीत रहा है, क्योंकि क्वांटिटी इससे 20% एक्स्ट्रा लग रही है मुझे हर चीज में, चाहे वो गोश्त की बात करूं, आलू का साइज बोलूं, चावल, राइस की भी क्वालिटी इसमें क्वांटिटी ज्यादा है। बाद में क्वालिटी भी निकल जा रहा है, क्वांटिटी कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो अभी जो है मैं कहूंगा रमजम का 1 पॉइंट हुआ है और अम्मी जान का 2 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है कि देखने में ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है बिरयानी। तो साहब थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ, तो अब आप भी देखें, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में वो अम्मी जान की लग रही है, एकदम फ्रेश लग रही है देखने में, ये जरा फ्रेश नहीं लग रही है। और दोनों जब ये ऑयली मैंने लिए जान पूछ के, ऐसा नहीं कि एक तर है एक सूखी है, दोनों को मैंने बोला भाई आप लोग जितना अपना ऑयली दे सकते हैं, मैं बोला जितना तर है दे दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तरी बिरयानी पसंद है। तो तर तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इसका थोड़ा कलर उतना मजा नहीं आ रहा देखने में, लेकिन ये ना बिल्कुल जैसे खिले हुए चावल है। ये आप सामने लाओ, ये देखिए क्वालिटी चावल की, राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके भी चावल अच्छे हैं, लेकिन जैसे चावल इसके टूट गए पहली बात, तो अब वो निकालने में हो सकता है कि जो निकाला है उसको सही से नहीं आता होगा, वो अलग चीज़ है, क्योंकि बिरयानी काटना भी एक बहुत बड़ा कलाकारी है जो सबको नहीं आता है। एक बनाना तो बहुत बड़ी कलाकारी है, फिर उसके बाद जो उसको निकाला जाता है डेगचे से वो उससे बड़ी कलाकारी है, जो कि 100 में 1 आदमी को आता है वो चीज़। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जो प्रेजेंटेशन है, जो मतलब देखने में जो अच्छी लग रही है, खाने से पहले इंसान देखते ही है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इधर ऊपर से दिखाओ, तो ये बिरयानी ज्यादा मुझे अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी कमेंट में बताना है कि आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है। तो ये था 4 पॉइंट। तो अभी 4 पॉइंट में से जो है 1 पॉइंट हो गया जमजम का, और बाकी का क्वांटिटी का, बॉक्सिंग का, और देखने में प्रेजेंटेशन में अम्मी जान जीत चुका है। सो अब पांचवा लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा है, अगर जिसमें जमजम का भी एक ही है, लेकिन अगर टेस्ट में ये ऊपर है तो सब कुछ खत्म, क्योंकि टेस्ट के लिए आदमी खाता है, देखने के लिए नहीं खाता है खाना पहली बात। तो अगर टेस्ट अच्छा है तो जीत गया, खत्म बात। तो मैं किससे शुरू करूं साहिबा बताओ? जमजम से। तो चलिए फ्रेंड बिस्मिल्ला करते हैं जमजम से। और ये घोल जो है ना, ये मेरे पास खुला बचे हुए थे 20 रुपए, तो मैंने जमजम से घोल ले लिया था। अम्मी जान से भी लेता मैं एकदम भूल गया, जल्दी जल्दी मैं बाइक में था भूल गया, नहीं तो घोल का भी कंपैरिजन हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक ही घोल सही है, आ गया कम से कम। तो इधर अब तुम्हें थोड़ा उठना होगा, तुम सामने आ जाओ। तो सबसे पहले मैं गोश्त की बात करूं तो गोश्त इनका काफी टाइट लग रहा है, देखिए काफी टाइट है, क्योंकि बिरयानी का गोश्त थोड़ा सॉफ्ट होना, ये थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन ये थोड़ा टाइट है। आलू भी बहुत सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि एकदम रुई की तरह होना चाहिए बिरयानी का आलू, लेकिन थोड़ा सा ये टाइट है। तो चलो अब कोई बात नहीं, पहले राइस देखते हैं। अब राइस कैसा है? बिस्मिल्लाह, वाह अल्लाह बरकत दे। उम्दा, जबरदस्त गोश्त, थोड़ा सा और सॉफ्ट होता तो मजा आता खाने में, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखने में पता नहीं जैसी भी है, कैमरे में भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन सच में बता रहा हूं खाने में जबरदस्त है। गोश्त थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो और मजा आता, बार बार कहूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा आलू का टेस्ट, हर चीज का टेस्ट अपने एक अलग, एकदम हर चीज का टेस्ट आ रहा। आलू में भी देखते हैं कितना मसाला गया अंदर तक। आलू में मसाला पूरा गया, लेकिन थोड़ा सा जो है हार्ड है आलू, वो चलो ऊपर नीचे हो जाता कभी दम के चक्कर में, लेकिन ये हो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना एक नाम वाला होटल है, काफी बड़ा एक ब्रांड है यहाँ का, ये अच्छे होटलों में आता है और बिरयानी के लिए ये पहचाना जाता है। तो ये सब चीजों को ये लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि इनसे गलती से भी गलती ना होनी चाहिए। टेस्ट तो नो डाउट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। तो थोड़ा सा मैं घोल पी लेता हूँ पहले, फिर चाहे मुंह का टेस्ट बदलेगा फिर इसमें हमला करूंगा तो समझ में आएगा एकदम परफेक्ट क्या चीज है। जमजम का घोल बहुत अच्छा होता है नो डाउट। तो अभी तक तो बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप इधर आ जाओ कैमरा लेके। तो सबसे पहले इनके गोश्त की बात करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि इसने मुझे कुछ कम में दे दिया, फ्री में दे दिया कि भैया वीडियो बना रहे तो ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने इसके भी पैसे दिए, इसको भी पैसे दिए, कोई मेरा ऐसा नहीं है। तो ये मेरा अपना रिव्यू है, हो सकता है कि आपको ये रिव्यू सही नहीं लगे, आपका कुछ और हो अंदाजा, आपको शायद बॉक्स का या कुछ भी कोई भी चीज में, तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि हर इंसान का अपना नजरिया और अपना एक टेस्ट बड्स होता है। तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने अगर बोल दिया ये अच्छा है तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपना एक जो क्या बोलते हैं नजरिया है वो आपसे शेयर कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। तो इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको सच्चा और लॉयली बताऊंगा, क्योंकि गलत बता के मुझे क्या फायदा। तो सबसे पहले आइए इनके आलू की बात करते हैं। ये देखिए आलू, आलू देखो सॉफ्ट है काफी, थोड़ा सॉफ्ट है आलू, उससे ज्यादा सॉफ्ट है। अब गोश्त की बात करते हैं। ये देखिए गोश्त भी बिल्कुल जैसा बिरयानी में होना चाहिए, बिल्कुल उतनी ही सॉफ्ट। ये देखिए बिल्कुल रुई की तरह टूट रहा है, ये हुआ बिरयानी का जो है गोश्त और आलू सॉफ्ट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इनका राइस खाते हैं। गोश्त गला बहुत अच्छे से है, लेकिन मसाले का जैसे कुछ कमी है अंदर में। मसाला थोड़ा अंदर में जैसे कमी लग रही है, फीका फीका सा। आलू देखते हैं गला तो बहुत अच्छा है, अंदर से कैसा है। आलू बिल्कुल लग रहा है जैसे उबाल के रख दिया गया। चलिए एक बार थोड़ा सा सब मिला के खाते हैं। अम्मी जान की बिरयानी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था बहुत लाइट होती है, लेकिन जो मैंने उस जमाने में खाया था आज से 3-4 महीने से ऊपर हो गया ना साहिबा, 6-7 महीने पहले मैंने खाया था जब फर्स्ट टाइम अम्मी जान की रेस्टोरेंट में जाके खाया था। तो उस टेस्ट में और इस वाले टेस्ट में बिल्कुल वही ब्रांच से लाया हूं, सेम वाले वैसे, यानी कि दूसरे से लाया हूं, बेग बगान वाले से लाया हूं, लेकिन टेस्ट में बहुत डिफरेंस हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, बिरयानी जैसे फीकी है पहली बात तो, और बिरयानी में मसाले बिल्कुल जैसे लाइट, क्या बिल्कुल ही लाइट कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए चावल है बासमती राइस, और उसमें भूल से सारे थोड़े से मसाले गिर गए हैं, थोड़ा सा कुछ गिर गया है, तो उसकी खुशबू आ गई। वैसे खुशबू मैं कहूं अगर बिरयानी में तो जमजम में ज्यादा स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है। वो टेस्ट बिल्कुल नहीं रहा, मतलब जो मैंने खाया था, बहुत मैंने तारीफ भी की है उस वीडियो में अम्मी जान की, और मुझे काफी सारे जो है फीडबैक्स, मुझे काफी लोग ने ये कहा भी है, मुझे कमेंट में भी किया था, और काफी लोग मुझे पर्सनली बोले थे कि भाई आपका अम्मी जान के देखने के बाद हम गए थे, मंगवाए थे, तो जितना कि आप तारीफ किए वैसा नहीं था। तो मैंने बोला भी था नहीं ऐसी बात तो नहीं है, बिरयानी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी मैं खा कर बोल सकता हूँ कि सच में आप जो भी बोले हैं वो सच, मतलब सच आपने कहा है या सही कहा है, क्योंकि ये बिरयानी वो है ही नहीं जो मैंने खाई थी। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि अम्मी जान ने अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाया, जो कि सबसे मेन चीज होती है एक अच्छे होटल को अपने आप को बचाने के लिए, कोई भी चीज को, कोई भी बिजनेस तभी बच पाता है जब उसकी क्वालिटी एक मेंटेन रहे उस तरह से। बिल्कुल फीकी बिरयानी है, और लाइट बिरयानी देखिए अलग होती है। अब आप लोग कहोगे लाइट बिरयानी, लाइट बिरयानी और फीकी बिरयानी अलग है। लाइट बिरयानी हम उसे कहते हैं जिसमें मसालों की पूरी खुशबू आ रही हो, टेस्ट बिल्कुल जब मुंह में ले तो आहा लगे बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन लाइट भी हो जिससे आपको गैस भी नहीं हो, मुंह में जाके अजब तरह का नहीं लगे, होता है ना मसालों का, लेकिन वो चीज़ है ही नहीं, लगी रहने की बिरयानी चबा रहा हूं मैं, बिल्कुल लग रहा है कि बासमती राइस खा रहा हूं, कुछ उसमें मसाले डल गए भूल से। तो ओवरऑल अगर मैं कहूंगा तो अम्मी जान ने अपनी क्वालिटी बिल्कुल लग रहा है खराब कर ली है, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा वो टेस्ट। और जमजम का जो है मैं फिर से देखने वाला लूं, तो अगर मैं क्वालिटी के बारे में कहूंगा, टेस्ट के बारे में कहूंगा, तो मुझे लगता है जमजम जीत चुका है, जो कि मेन चीज थी वो, मतलब जमजम भारी पड़ चुका है।
एकदम कोई इसमें डाउट ही नहीं है, कोई इसमें मतलब दो राह नहीं है कि जमजम बहुत ऊपर है और एकदम यूनिक टेस्ट है इनका। बिरयानी की खुशबू भी आ रही है, जब मुंह पे भी ले रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं तो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ भाई एक अच्छी जगह की बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन अम्मी जान से बहुत मुझे डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि बहुत अच्छी उनकी बिरयानी थी, वो बिरयानी का मेंटेन करके रखते तो शायद आज के डेट में मुझे लगता है जमजम क्या कोई भी नहीं टिकता इनके पास। लेकिन जो अभी हाल है तो जमजम बहुत ऊपर है। और जमजम की एक चीज अच्छी है, जो 5 साल पहले टेस्ट था आज भी उनका वही टेस्ट है। हाँ, इन लोग दाम बढ़ा देते हैं लेकिन क्वालिटी में लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सिर्फ मैं कहूंगा थोड़ा अगर ये लोग अपने गोश्त में और आलू में थोड़ा सा देख ले तो और अच्छा होगा। क्वांटिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी लेकिन बाकी ओवरऑल मैं कहूंगा विनर इज, अगर पूरा ओवरऑल कहूं पॉइंट्स के हिसाब से तो ये जा रही है, लेकिन अगर सच में मैं कहूंगा विनर कौन है तो आपको जी हाँ जमजम है। तो चलिए हम लोग पहले इसको जो है आप फिनिश कर लेते, खा लेते क्योंकि ऑलरेडी खाना ठंडा हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे यहीं इजाज़त चाहूँगा और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन वाला प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो पता है ना क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार बरसाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरी फैमिली का हिस्सा, छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और अगर इस तरह के वीडियो और आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो इंशाल्लाह और भी मैं कंपैरिजन के वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय।